हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं आलू की चाट, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि हमारी बहुत ही चटपटी होने वाली है। चलो फ्रेंड्स, बनाना करते हैं स्टार्ट आलू की चाट को। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ आलू को कर लिया है बॉईल, उबाल लिया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम आलू को काटेंगे। फ्रेंड्स, हमें आलू को इस शेप में काटना है, ये देखिए। हमने अपने सभी आलू को फ्रेंड्स काट लिया है। फ्रेंड्स, हमने अपने सभी आलू को इस तरीके से काट लिया है, ये देखिए। अब प्लेटिंग कर ली है। इधर लिए हमने लाल चटनी, यहाँ पे लिए फ्रेंड्स हमने दही, और ये लिए हमने ग्रीन चटनी। चलो फ्रेंड्स, बनाना करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आलू के ऊपर। अब फ्रेंड्स, हम डालेंगे धनिया पाउडर। चाट मसाला, अब फ्रेंड्स हम डालेंगे जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फ्रेंड्स अब हम डालेंगे ग्रीन चटनी। ये फ्रेंड्स हमने लिया होममेड ग्रीन चटनी, हरे धनिया की, हरी मिर्च की। अब फ्रेंड्स हम ऊपर से डाल देंगे दही। और लाल चटनी, लाल मीठी चटनी है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स इसका। बहुत ही चटपटी रेसिपी बनती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही लजीज बनती है आलू की चाट। आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार, बहुत ही सिंपल वे में है और हेल्थी भी है ये आपके लिए। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं, नहीं छोकना, नहीं ऑयल वगैरह। ऊपर से हमने डाल दिया है हरा धनिया, ये देखें, हरे धनिया की खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। फ्रेंड्स ये देखिए आप, हमने कुछ हरी मिर्च भी डाल दी हैं, हरी मिर्च को भी लगा दिया अपनी चाट के ऊपर। अब फ्रेंड्स हम ऊपर से डाल देंगे नींबू का रस, एक नींबू को डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाट एकदम रेडी है। हमने प्लेटिंग कर ली है चाट की, बहुत ही लजीज चाट बनी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी चाट की रेसिपी ज़रूर बताना। आई होप आपको चाट बहुत पसंद आई होगी ये रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी यम्मी यम्मी चाट बनी है। थोड़ी थोड़ी दही भी डाल देंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारी चाट की, आलू की चाट की रेसिपी एकदम रेडी है। हमने प्लेट कोट कर लिया है डेकोरेट। आपको कैसी लगी फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।